दोस्तों आजकल हर कोई चाहता है कि वो कंप्यूटर में एक अच्छा ऑपरेटर बने लेकिन कंप्यूटर का अच्छा ऑपरेटर बनने के लिए आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए और कीबोर्ड के कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए जो डेली यूज होने वाले होते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर अभी अभी जॉब पे लगे हैं तो आपको इन शॉर्टकट कीज का नॉलेज जरूर होना चाहिए जो कि आपका काम का स्पीड दोगुना करने वाला है स्पीड बढ़ाने वाला है मैं आपको ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ जो डेली यूज ऑफिस में होती है दोस्तों शायद आप में से बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि उनको इन की के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो इसीलिए मेरा काम बनता है कि मैं इसका नॉलेज आपको दूं तो मैं लेके हूं आपके लिए कंप्यूटर की डेली यूज पचास कीबोर्ड शॉर्टकट जो हर किसी को पता होनी चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो आइए दोस्तों 50 डेली यूज शॉर्टकट कीज में हम विंडोज की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखने वाले विंडोज की कीबोर्ड के ऊपर नीचे बॉटम में रहता है अगर आपने नोटिस किया होगा या पे स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि विंडोज की इसके साथ अलग अलग कीज का कॉम्बिनेशन होता है और काफी इंटरेस्टिंग रहता है आपको बहुत सारी चीजें जानने के लिए जैसे आप जानना चाहते हैं आपके कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है कितना रैम लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज इंस्टॉल है इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है बेसिकली आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है तो आप एक शॉर्टकट की से जान सकते

तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अब नेक्स्ट शॉर्टकट की की तरफ बढ़ते हैं अब आपने यहां पे कुछ ओपन करके रखा है जिसे मैं मिनिमाइज़ करना चाहता हूं मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाना चाहता हूं तो आप विंडोज़ डी बटन प्रेस कर सकते हैं विंडोज़ डी बटन से जो भी आपने ओपन किया सामने वो सारा मिनिमाइज़ हो जाएगा और आप डेस्कटॉप पर तुरंत आ जाओगे लेकिन अगर उसे दोबारा ओपन करना है तो विंडोज डी दोबारा प्रेस कीजिए देखिए राइट डेस्कटॉप पे आएंगे डेस्कटॉप से फिर से उस एप्लीकेशन में आएंगे उसके लिए और एक शॉर्टकट की है विंडोज़ एम विंडोज एम से मिनिमाइज होता है ये नेक्स्ट शॉर्टकट की याद रखना विंडोज एम देखिए मिनिमाइज हो रहा है लेकिन अगर इसे मैक्सिमाइज करना है दोबारा मतलब उस फोल्डर को ओपन करना है तो विंडोज शिफ्ट एम बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा याद रखिए विंडोज शिफ्ट एम तो विंडोज एम विंडोज शिफ्ट एम ये डेफिनेटली आपको समझा होगा अब आगे की शॉर्टकट की की तरफ बढ़ते हैं इसे मैं क्लोज कर देता हूं तो अब आगे की शॉर्टकट की में मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं आपको व्हाइट बोर्ड बेसिकली ओपन करना है तो व्हाइट बोर्ड आप ओपन कर सकते हैं आपके विंडोज में रहता है उसके लिए आपको विंडोज डब्ल्यू ए की शॉर्टकट की प्रेस करना होगा मैंने प्रेस कर दिया राइट बॉटम कॉर्नर में देखिए व्हाइट बोर्ड भी आ चुका है फुल स्क्रीन स्निप भी आ चुका है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं क्लिक करूंगा व्हाइट बोर्ड मेरे सामने आ चुका है और यहाँ पे आपको कुछ नीचे पेंस भी नजर आ रहे है क्या बात है आप जो ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ओके okay, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करके आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आप नहीं चाहते इसे तो अंडू अंडू यहाँ पे अंडू बटन भी दिया गया है आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं उस मार्कर को आप सिलेक्ट कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे पहाड़ ड्रॉ किया मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि पहाड़ का कोई भी शेप ड्रॉ करो पहाड़ी लगेगा कोई गलत नहीं बोल सकता इस शेप को बेसिकली यही ड्रॉइंग मुझे अच्छे से आती है इरेजर दिया है यहाँ पे इरेज कर लो और बहुत सारी चीज़ें तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर लो अगर आपको वाइट बोर्ड पर कुछ किसी को पढ़ाना है कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको एक बार ज़रूर इसे इस्तेमाल करना चाहिए साथ ही में आपको विंडोज डब्ल्यू प्रेस करने के बाद फुल स्क्रीन स्निप भी मिलता है यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो जो आपको स्निप एंड स्केच ऑप्शन मिलता है ना विंडोज़ का वो यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ पे देखिए पूरे विंडोज़ का स्क्रीन उसने लिया है इसमें आपको मार्कर भी मिलता है कि भाई कोई पॉइंट आपको कैसे हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं इसे जैसे इस फाइल को मुझे हाईलाइट करना है या फिर मैं मतलब मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ उसे या फिर हाईलाइटर से मैं ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ और इसे सेव भी किया जा सकता है यहाँ पे देखिए सेव बटन है बाकी सारी चीज़ें इसमें दी है तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं स्निप एंड स्केच ओपन करने के लिए विंडोज डब्ल्यू व्हाइट बोर्ड ओपन करने के लिए विंडोज डब्ल्यू राइट अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है कि भाई अगर मेरे कंप्यूटर में जो डी ड्राइव ई ड्राइव यानी कि मेरा फाइल एक्सप्लोर मुझे ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है विंडोज ई बटन जैसे आप विंडोज ई बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपके सारी के सारे फाइल यहाँ पे ओपन हो चुके हैं मैं एक काम करता हूँ मैं दिस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं पूरे के पूरे ड्राइव्स भी देख सकता हूँ विंडोज ई से फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है आपको बहुत सारी बार कंप्यूटर के ड्राइव में काम करना पड़ता है तो बार बार आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे डबल क्लिक करोगे ये दिस पीसी सी दिख रहा है ना यहाँ पे एक डबल क्लिक करोगे इससे अच्छा आप विंडोज ई e बटन प्रेस करो आपका टाइम सेव होने वाला है टाइम सेव करने के लिए तो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं अगर मुझे कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो वो रन कमांड से आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं विंडोज़ आर बटन आप प्रेस कर सकते हैं रन कमांड के लिए जैसे मैंने विंडोज आर प्रेस किया और यहाँ पे आपको रन कमांड

कंप्यूटर घर बैठे बैठे सीखना चाहते हो तो जरूर चेक कीजिए मेरा वो हार्डवेयर का वीडियो राइट नेक्स्ट की है हमारी कि भाई टास्क बार के ऊपर के जो ये जो प्रोग्राम्स है उसे मुझे एक्सेस करना है की से यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है मैं से एक्सेस करना चाहता हूं. तो उसके लिए विंडोज टी बटन आप प्रेस कर सकते हैं जैसे मैं विंडोज टी प्रेस करता हूं देखिए विंडोज टी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं जरा जूम भी करता विंडोज टी विंडोज टी विंडोज टी एक 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 एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ विंडोज टी राइट विंडोज टी से तो आप कर सकते हैं विंडोज टी करने के बाद तो आपको यहाँ पे एक असर मिल जाता है और आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा टैब मतलब एंटर बटन प्रेस करो वो टैब ओपन हो जाता है या फिर इसके अलावा आप विंडोज वन अगर प्रेस करते हो देखिए यहां पे जो सीक्वेंस में बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैं वन प्रेस करूंगा तो यहां पे ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होगा टू प्रेस करूंगा तो स्टोर ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फिर अलग थ्री फोर ये थ्री है ये फोर है फाइव है ऐसे एक एक, एक, एक आगे रहेगा तो चलिए मैं दिखा देता हूं ओपन करके अब मैं विंडोज वन प्रेस करता हूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर मेरा एक वेबसाइट विजिट है यहाँ पे है, पे हमारी वेबसाइट है ढेर सारे चल रहे हैं और लर्न मोर ऐप भी है दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंग है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी दी जानकारी के लिए तो एक बार चेक कीजिएगा वेबसाइट जरूर फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि विंडोज वन मैंने प्रेस किया था विंडोज टू करूंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन होगा ये मुझे ओपन नहीं करना है मुझे क्रोम ओपन करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नंबर पर दो नंबर ये तीन नंबर और चार नंबर पे है हमारा ये क्रोम ब्राउजर तो मुझे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो मैं विंडोज और फोर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो गया और डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर में मेरा पहले से एक चैनल विजिट है एंड मोर

सेकेंड स्क्रीन ओनली ये चार ऑप्शन मिल रहे हैं और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि भाई एक कंप्यूटर के ऊपर दो डिस्प्ले लगा कि हम ये प्रोजेक्ट स्क्रीन का यूज कैसे कर सकते हैं अगर आप एक कंप्यूटर पे दो डिस्प्ले लगाना चाहते हैं तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है कि भाई दो डिस्प्ले लगा कि हम एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे तो अब दो स्क्रीन अलग अलग कैसे देख सकते हैं डुप्लीकेट मतलब यही स्क्रीन दूसरे के ऊपर कैसे दिखाई देगी तो ये प्रेजेंटेशन के लिए काफी यूजफुल रहता है प्रोजेक्ट स्क्रीन तो उसके लिए आप विंडोज पी बटन प्रेस कर सकते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर आपके कंप्यूटर के ऊपर भी ये पॉसिबल होता है और ये इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया आई बटन पर आप लिंक चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्क्रीन के बारे में उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ने वाले जो है विंडोज जी जी हाँ दोस्तों विंडोज जी प्रेस करते ही यहाँ पे एक आपको एक्सबॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप ये कैप्चर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए विंडोज का इनबिल्ड फीचर है कैप्चर पे जाइए और यहाँ पे आपको रिकॉर्डर ऑप्शन दिखाई दे रहा है अल्टार बटन प्रेस करके आप इसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दोबारा स्टॉप कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है लेकिन मैंने आपको बता दिया ये एक शॉर्टकट की विंडोज जी कैप्चर करने के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके बाद अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आप कुछ लिख रहे हो और उसमें आपको क्या करना है पावर पॉइंट ले लो या नोटपैड ले लो बेसिकली मैं नोटपैड फटक से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे नोटपैड के अंदर आपको इमोजीज इंसर्ट करना है यहाँ पे कुछ लिखते लिखते तो इमोजी इंसर्ट करने के लिए आप विंडोज और सेमी कॉलन ये शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये इमोजीज रहते हैं दोस्तों और ये विंडोज 10 के अंदर ही है विंडोज 7 में वगैरह नहीं मिलेगा ये फीचर याद रखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इमोजीज यहाँ से क्लिक करूंगा तो वो इंसर्ट हो जाएगी आप ये कोई भी सॉफ्टवेयर में इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं ढेर सारे इमोजीज आपको मिल जाते हैं विंडोज और सेमी कॉलन शॉर्टकट की याद रखना है आपको जरूरी पड़े तो आप यूज़ कर लेना आपके पावर पॉइंट में वगैरह प्रेजेंटेशन या वर्ड में कहीं पर ऐड करें तो आप कर सकते हैं आगे अगर आप इंटरनेट पे हो सपोज इंटरनेट पे आपने कोई वेबसाइट विजिट कर ली जैसे मैं एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ हमारी दूसरी वेबसाइट है लैन मोर इंडिया डॉट इन जहां पे बहुत सारे फ्री में नोट्स मिलते हैं आपको मैं नॉलेज देते जा रहा हूँ साथ में और यहाँ पे कुछ कंटेंट है जो आपको कॉपी करना है यहाँ पे बहुत सारे नोट्स सामने रखे हैं तो आपको क्या करना है इसमें से कोई नोट्स आपको कॉपी करना है और प्रिंट करने के लिए लेना है वगैरह वगैरह लेकिन क्या करना है कि यहाँ पे कंटेंट जो है आपको कुछ पॉइंट्स ही कॉपी करना है इसमें से जैसे आपको क्या करना है कि ये पहला वाला पैराग्राफ कॉपी करना है बाद में ये वाला कॉपी करना है बाद में ये वाला कॉपी ऐसा अलग अलग मतलब या फिर इसमें क्वेश्चन दिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट टिप्स बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है लर्न मोर इंडिया डॉट इन पे जरूर विजिट कीजिएगा फिलहाल यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लेना है आपको और नीचे वाला लेना है तो आपको क्या करना है एक छोड़ के एक लेना है तो ऐसे समय में आपको बहुत टाइम लगेगा इसे कॉपी करो फिर वर्ड में जाओ पेस्ट करो इससे अच्छा आप सभी को एक साथ कॉपी कर सकते हैं उसके लिए आप करना क्या है आपको पहले विंडोज़ वी बटन प्रेस करना है विंडोज़ वी प्रेस करते ही यहाँ पे विंडोज़ का क्लिप ओपन हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ का क्लिप आ चुका है इस क्लिप में ऑलरेडी कुछ है जो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया तो मैं इन्हें क्लियर ऑल कर देता हूँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा पुरानी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी क्लिपबोर्ड में कुछ भी स्टोर नहीं है अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे पूरा का पूरा ब्लैंक आ चुका है योर क्लिप बोर्ड इज एम लिख के आ रहा है क्योंकि उसके अंदर के कंटेंट्स मैंने इरेज कर दी अब मैं क्या करता हूँ क्लिप बोर्ड को रहने दो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल सी करता हूं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल सी करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर एक छोड़ के एक सपोज कंट्रोल सी करता हूं और मैं अभी विंडोज और वी बटन दोबारा प्रेस करता हूं देखिए विंडोज और वी बटन दोबारा प्रेस किया तो जो मैंने कॉपी किया था वो सारी की सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही है और आप इन्हें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जाकर कहीं भी, भी पेस्ट कर सकते हैं जैसे मैं एग्जांपल के लिए नोटपैड में ओपन कर देता हूँ और नोटपैड में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ विंडोज़ वी बटन प्रेस कराँ और जो चाहिए मुझे यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा इस तरह से एक एक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ तो बार बार कॉपी करने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी ये इसका बेनिफिट है डेफिनेटली आपको समझा होगा तो आपको कहीं पर भी नोट्स वगैरह कुछ भी लेना है तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये है विंडोज़ का क्लिप शॉर्टकट की अब आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं वो ये है कि अगर विंडोज का को कोई पार्ट आपको जूम करना है जैसे इसमें से कोई पार्ट मुझे जूम करके आपको दिखाना है जैसे यहाँ पे कुछ मेनूज़ हैं तो आप विंडोज़ और प्लस बटन प्रेस करके कीबोर्ड के की ऊपर वो जूम कर सकते जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ विंडोज और प्लस बटन राइट यहाँ पे मुझे ऑनलाइन टेस्ट आपको दिखानी विंडोज़ प्लस बटन प्रेस कीजिए तो आपको ये जूम करके दिखाई दे रहा है तो विंडोज़ प्लस और विंडोज माइनस ये याद रखिए विंडोज प्लस कीबोर्ड के की ऊपर का जो प्लस रहता है ऊपर न्यूमरिक कीज में वही प्लस आप प्रेस कीजिए माइनस प्रेस कीजिए जूम इन जूमआउट होता है जब आप किसी को कुछ चीजें दिखाने चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर तो विंडोज प्लस ही शॉर्टकट की आपको जरूर यूज करनी चाहिए आगे आपने बहुत सारे टैब अलग अलग ओपन किए जैसे ये टैब है और ये टैब है मैंने इसको साइड में रख दिया सपोज ऐसा उठा के अब आपके पास दो फाइल है एक के पीछे एक फाइल दो है तो मैं इसे लेफ्ट में अरेंज करना चाहता हूँ तो विंडोज राइट एरो या लेफ्ट एरो आप प्रेस कर सकते हैं देखिए विंडोज मैं इसे राइट में करना चाहता हूँ राइट एरो और इस वाले विंडो को मैं विंडोज लेफ्ट में प्रेस करना चाहता हूँ ये देखिए विंडोज लेफ्ट लेफ्ट राइट याद रखिए या फिर आप इसे राइट right में रखना चाहते हैं विंडोज राइट एरो देखिए विंडोज राइट लेफ्ट आप ऐसा कर सकते हैं विंडोज राइट एरो प्रेस कीजिए राइट साइड में आएगा विंडोज लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए इस तरह से लेफ्ट साइड में आएगा दो विंडोज साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आप ऐसे देख सकते हैं विंडोज लेफ्ट और राइट right एरो का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आप विंडोज आप एक साथ दो दो ब्राउजर या दो फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एक साथ आप ओपन करके रख सकते हैं डेली यूज के लिए बहुत काम की चीज़ है आपको विंडोज और लेफ्ट और राइट एरो की प्रेस करके एक बार देखना जरूर चाहिए दोस्तों अब मुझे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में अगर स्विच होना है जैसे यहाँ पे मैं इसे भी मैक्सिमाइज कर देता हूँ और इसे भी मैक्सिमाइज कर देता हूँ इस प्रोग्राम से मुझे पीछे वाले प्रोग्राम में स्विच होना है तो मैं यहां पे सिंपली एक शॉर्टकट की यूज करूंगा विंडोज टैब विंडोज़ टैब से मैं एक प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम में स्विच हो सकता हूं यहां पे आप देख सकते हैं विंडोज टैब से मैं स्विच हो रहा हूं और विंडोज टैब से आप नया डेस्कटॉप भी ले सकते हैं यहाँ पे देखिए ऊपर एक न्यू डेस्कटॉप करके ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पे नया डेस्कटॉप भी ऐड कर सकता हूं विंडोज से ये देखिए विंडोज टैब बटन के बाद ये न्यू डेस्कटॉप ऐड हो चुका है जिसमें ब्लैंक है पूरी चीजें तो हमारी फाइल कहाँ पे है अगर आप विंडोज टैब दोबारा प्रेस करोगे तो हमारी फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप वन पे पड़ी है राइट right? ऐसे विंडोज टैब बटन से ये होता है और विंडोज टैब यूज करके जरूर देखना चाहिए आपको दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो और अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आपको मेरा ऐप चेक जरूर करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में लर्न मोर ऐप की लिंक दी है या फिर लर्न मो इस वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ इंटर है आप ऐप पे अकाउंट बनाओ या वेबसाइट पे अकाउंट बनाओ दोनों पे भी कोर्सेज एक्सेस करने आपको मिलेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में है आईओसो सर्टिफाइड कोर्सेज आपके लिए मैंने वहाँ पे रखे है दोस्तों मतलब आपको जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो आईएसओ सर्टिफिकेट है मेरी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है आपको भी सर्टिफिकेट जो मिलेगा आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स के अंदर पूरे वीडियो कंटेंट है टेस्ट अटेंड करने मिलेगा प्रैक्टिस फाइल है और ढेर सारी चीज़ें आप खुद ही चेक कीजिए लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है एक बार जरूर चेक कीजिएगा जहाँ पे आपको फ्री पी भी मिलने वाले फ्री डेली कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए टेस्ट भी आपको मिलेगी तो एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए आपको हमारे ऐप को राइट तो फिलहाल अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो अब मैंने विंडोज की डेढ़ सारी शॉर्टकट की आपको बताई अब कंट्रोल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में काम करते तो आपको जरूरी हो सकती है तो मैंने क्या, क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन किया एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट किया यहाँ पे मैंने कंटेंट रख दिए है जैसे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया एक फॉर्मूला मैंने टाइप किया पैराग्राफ लेने के लिए बेसिकली इज इक्वल टू आर एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये एक फॉर्मूला है आप अगर ऐसा लिखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपको एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ मिलता है इसे पढ़ना नहीं है कोई स्टोरी नहीं है बस प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ मिल चुका है आपको अब करना क्या है कि आपको ये पूरा पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट करना है तो ये शॉर्टकट की याद रखिए बेजिक है, है सबको पता रहती है कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल राइट अगर आपने यहाँ से कोई डिलीट कर दिया जो बेसिक शॉर्टकट कीज है मैं फटाफट बता रहा हूँ एक ही बार में क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए यूजफुल है आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे शॉर्टकट की का टाइम स्टैम्प दिया है वहां से आप शॉर्टकट की वाइज क्लिक करके देख सकते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि कोई कंटेंट मेरे से एक्सीडेंटली डिलीट हो गए तो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया तो कोई डरने की बात नहीं कंट्रोल जेड कीबोर्ड पे प्रेस करो अंडू होता है भाई कंट्रोल जेड अंडू समझ में कंट्रोल जेड अंडू मैंने किया क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर लेते हो या कुछ चेंजेस आपने कर लिए और आपको नहीं चाहिए तो आप पीछे जा सकते हैं याद रखिए है। जैसे मैंने क्या कर लिया था इस पैराग्राफ को सपोज मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया और साइज़ वगैरह बढ़ा दी लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड 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 जेड, जेड अंडू करते जाऊंगा इस तरह से अंडू मीन्स मल्टीपल स्टेप बैक करने के लिए यूज होता है मल्टीपल स्टेप पीछे जाता है अगर आपने कुछ गलती की तो उससे भी गलती को फिर से आप अंडू करके रिटर्न ला सकते हैं मतलब कंप्यूटर अपनी गलती को माफ करने के चांस देता है लेकिन लाइफ में गलतियाँ माफ नहीं होती इसलिए लाइफ में गलतियां मत करो लाइफ में अंडू नहीं होती है <laughs> याद रखिए गलतियां गलती हो गई हो गई भाई अंडू नहीं हो सकती इसलिए लाइफ में गलतियां कम करो लेकिन कंप्यूटर में यहाँ पे गलती करोगे तो भाई अंडू है और दूसरा अंडू अगर मैंने कर लिया इसे सपोज में ऐसे मैंने अंडू कर लिया डिलीट हुआ था कंट्रोल जेड कर लिया अंडू लेकिन फिर से मुझे वो रिडू करना है अंडू पांडू नहीं होता है यहां पे रिडू होता है याद रखिए अंडू पांडू तो नाना पाटेकर जी बोलते हैं यहां पे रिडू होता है कंट्रोल वाई देखिए फिर से वो डिलीट कंट्रोल जेड अंडू कंट्रोल वाई रिडू कंट्रोल जेड अंडू राइट जैसे आपने यहां पे क्या किया बोल्ड किया सब साइज वगैरह बढ़ा दिए और आपने इसे इटैलिक वगैरह सब अंडू कर दिया वन टू थ्री फोर अंडू अब देखिए कंट्रोल वाई 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 रिडू सो अंडू रिडू क्लियर है ये शॉर्टकट कीज अब आगे बढ़ते हैं अब आपको कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया है इसके अंदर इमेज लिया है कोई चीज़ ली है जिसे आपको डुप्लीकेट करना है जैसे आप पावर पॉइंट में ले लो पावर पॉइंट में बहुत बार हमें इमेजेस का डुप्लीकेट बनाना पड़ता है या फिर कुछ भी आपने लोगो वगैरह बनाया है जैसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी है राइट तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी बटन प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल डी से क्या हो रहा है देखिए इमेज का डुप्लीकेट हो रहा है कंट्रोल डी याद रखिए हाँ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे यूज करते हो बिना कोई इमेज को सिलेक्ट किए हुए तो कंट्रोल डी से क्या होता है देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल डी से फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स आता है फॉन्ट का जो कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग फॉन्ट एडवांस फॉर्मेटिंग आती है यहाँ पे जो एडवांस फॉर्मेटिंग आती है ना फॉन्ट में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल डी अलग तरीके से होता है अगर आपने इमेज इंसर्ट नहीं किया शेप इंसर्ट नहीं किया हाँ आपने शेप वगैरह कोई इंसर्ट कर लिया तो उसका कंट्रोल डी करते आप यहाँ पे

तो पे देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड कितनी बार है वो हाईलाइट हो चुका है पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करने के लिए बहुत यूजफुल uh, है एक्सेल में भी आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल ऐप और वहां पे आप इसे सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस एक शॉर्टकट की आगे अगर आपको वो डॉक्यूमेंट की जगह कोई और वर्ड लिखना है जैसे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है सब जगह पे आपको क्या करना है रिप्लेस करना है फाइल वर्ड तो मैं कंट्रोल एच करूंगा कंट्रोल एच देखिए फाइंड एंड रिप्लेस ये वाला डायलॉग बॉक्स अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा तो आपको याद होगा वहां पे आमिर खान ने यूज किया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आमिर खान ने क्या किया है फाइल कर दिया है सो so, डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे फाइल होगा रिप्लेस ऑल क्या होगा रिप्लेस ऑल जैसे मैं रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंट की जगह फाइल होने वाला है और वो बता रहा है ऑल डन वी मेड फाई रिप्लेसमेंट तो अभी खान ने ऐसा ही चमत्कार वर्ड को चेंज किया था और क्या किया था आपको बताने की जरूरत नहीं थ्री इडियट मूवी देख लो अगर नहीं देखा था और वैसे ही यहाँ हमारी एक काम की चीज है और ये बहुत सारी जगह पे होती है कंट्रोल देखिए ना फाइल यहाँ पे हुआ है सब जगह पे हुआ है बेसिकली आपका अगर कोई पुराना एग्रीमेंट है उसमें डेट या ईयर कुछ भी बदलना है बहुत बार लिखा है तो आप कंट्रोल एच कर सकते हैं कंट्रोल एफ फाइंड कंट्रोल एच रिप्लेस ये समझ में आएगा लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास बहुत सारे पेजेस जैसे यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास पांच 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 पेजेस पेजेस पे बॉटम में देखिए राइट और मैं पांच नंबर पेज पे फाइव ऑफ फाइव मतलब मेरा करंट पोजीशन पांच नंबर पेज पे है तो मैं जाना चाहता हूं पेज नंबर वन पे अभी पांच ही एग्जांपल के लेकिन ज्यादा पेजेस है तो कैसे जाएंगे कंट्रोल जी कंट्रोल जी याद रखिए कंट्रोल जी गो टू आपको अगर कोई भी पेज पे जम्प करना है तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है एंटर पेज नंबर तो मैं जाना चाहता हूँ एक नंबर पेज पे मैं जाना चाहता हूँ दो नंबर पेज पे मैं जाना चाहता हूँ तीन नंबर पेज पे तो एंटर करता हूँ मैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आप करंटली कौन से पेज पे हो बॉटम में देख सकते हैं तीन नंबर पेज पे आप हो टोटल पाँच पेजेस से और यहाँ पे आप वैसे ही सेक्शन लाइन नंबर बुक सब पे जा सकते हैं अगर आपने वर्ड में बुक वगैरह यूज करना सीखा है वर्ड के लिए मैंने एडवांस कोर्स बना के रखा है मेरे वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है तो फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं वो है नेक्स्ट शॉर्ट की अगर आपने फाइल को बना लिया और आपको सेव करना है तो भाई कंट्रोल एस बटन दबा दो राइट कंट्रोल एस से सेव हो जाता है अभी ये मेरा वन ड्राइव में सेव आ रहा है बेसिकली क्योंकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव कनेक्टेड है आप इसे लोकल में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं लोकल में मैं सेव करना चाहता हूँ और सेव फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन रहता है सेव सबको आता होगा लेकिन इस फाइल को डबल सेव करना है तो उसके लिए क्या होता है मतलब डुप्लीकेट सेव करना है इस फाइल को तो उसके लिए F12 अगर आपने ऑलरेडी सेव की ये फाइल तो F12 ये कीबोर्ड पे शॉर्टकट की प्रेस करो अगर ऑलरेडी सेव फाइल है उसे डबल सेव करना है मेरे पास सपोज ये ऑलरेडी सेव फाइल है एम एस आई करके राइट तो ये वाली ऑलरेडी फाइल सेव है मेरे पास और मैं इसे डबल सेव करना चाहता हूँ तो एफ ट्वेल्व बटन प्रेस करूंगा क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एस बटन से कुछ नहीं होगा कंट्रोल एस बटन प्रेस करने से ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा एफ ट्वेल्व से आएगा और एफ ट्वेल्व में इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जो देना है और मैं इसे पी में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ ऑलरेडी सेव फाइल को तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ये देखिए पी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पीडीएफ में भी कर सकता हूं तो सेव एज डुप्लीकेट करता है याद रखिए सेव एज के लिए एफ ये शॉर्टकट की है आप कोई भी सेव फाइल के ऊपर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्लियर है आपको ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सभी में यूज होती है और आप इन्हें यूज करना चाहिए जरूर नेक्स्ट ऐसा है कि मैं आ, मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है उसे ओपन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ओ बटन प्रेस करूंगा कंट्रोल ओ अगर आप विंडोज सेवन के अंदर कंट्रोल ओ करते हो तो एक ओपन का डायलॉग बॉक्स आता है विंडोज टेन के अंदर कुछ इस तरह से आता है आपके पास रिसेंट फाइल मिलती है आपको एक ब्राउज बटन मिलता है कि भाई यहाँ पे जाओ और आपकी जो फाइल जहाँ पे भी सेव है आप खुद जाके सिलेक्ट कर लो उसे और ओपन कर लो राइट right? जैसे गुरुपूर्ण वाली फाइल है या याटी वाली फाइल है जो भी आपको ओपन करनी है आप यहां से ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ ओपन ये शॉर्टकट की मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है और बिगिनर्स के लिए पता होनी चाहिए डेली यूज भी है अब ये फाइल मैंने ओपन करके रखी है मुझे इसको क्या करना है बंद कर देना है इसमें कोई डेटा इंपॉर्टेंट नहीं मुझे क्लोज कर देना है कंट्रोल डब्ल्यू फाइल को क्लोज करो मतलब ये डॉक्यूमेंट को क्लोज करो बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर को नहीं क्लोज करा कंट्रोल डब्ल्यू वो पूछ रहा है फाइल सेव करना है नहीं करना है डोंट सेव ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे ही चलेगा मतलब एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता है यहाँ पे याद रखिए एप्लीकेशन क्लोज के लिए आगे एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा लेकिन कंट्रोल डब्लू से खाली फाइल क्लोज होता है कंट्रोल एन से नया फाइल ले सकते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल क्लोज होता है कंट्रोल एन नया फाइल कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल एन कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल एन कंट्रोल डब्ल्यू खेलते बैठो ओके मत खेलो आगे बढ़ो आगे आपको कॉपी पेज तो पता ही होगा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और आपको इसको डबल करना है तो कॉपी करो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी बटन प्रेस करो पेस्ट कंट्रोल वी या फिर आप इसे मिनिमाइज करो डेस्कटॉप पे भी आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मैं मिनिमाइज करता हूँ मुझे क्या करना है डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी है इसका कॉपी करना है तो राइट क्लिक करूँगा कॉपी करूंगा ये तो आपको पता ही होगा लेकिन कीबोर्ड पे कंट्रोल सी करो और कंट्रोल वी बटन प्रेस करो कॉपी पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी याद रखिए तो आप जैसे भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी बटन प्रेस कर लेते हैं कोई भी फाइल का तो उसका कॉपी पेस्ट बन जाता है आप यहाँ पे देखेंगे फाइल का कॉपी पेस्ट हो रहा है ओके यहाँ पे राइट साइड में उसका कॉपी भी आ रहा है राइट यहाँ पे देखिए अब बहुत सारी बार क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है लेकिन आपने सभी के सभी ये स्मॉल लेटर में लिखा है मुझे कैपिटल में चाहिए था तो आपको आपको क्या करना है? करना पड़ता पड़ता है आपको पता है एक है चेंज 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 केस 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 पता रहेगा पे एक ऑप्शन पर जाकर आप कर सकते हैं राइट सेंटेंस लोअर अपर प्रॉपर लेकिन ये आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं शिफ्ट एफ देखिए मैं शिफ्ट एफ प्रेस कर रहा हूँ सारे अपर में हो गए शिफ्ट एफ सारे लोअर में हो गए शिफ्ट एफ सारे इसे बोलते हैं सेंटेंस केस एक्चुअली ये सेंटेंस केस है देखिए राइट शिफ्ट एफ थ्री एफ थ्री एफ थ्री शिफ्ट एफ थ्री एफ थ्री एफ थ्री तो ये शॉर्टकट की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये डेली हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज हो सकती है शिफ्ट एफ थ्री राइट ओके उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको ये जो डॉक्यूमेंट बनाई या एक्सेल में जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए कंट्रोल पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है और प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स अगर आपको ये पूरी की पूरी जाननी है बेसिकली तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है वो आई बटन पर लिंक उसको दे दूंगा मैं आपको लर्न मोर चैनल पर वीडियो बनाया और उसकी लिंक इस पर मैं आई बटन पर ऊपर दे रहा हूँ आप चेक कर सकते हैं वो प्रिंट से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रिंट से रिलेटेड पूरी सेटिंग की प्रिंट के अंदर प्रिंट करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है पेज सेट मार्जिन सेटअप पेज मल्टीपल पेजेस पे कैसे प्रिंट होगा एंड बैक टू बैक वगैरह कैसे प्रिंट होगा सारी चीजें मैंने उसमें बताई है कंट्रोल पी से प्रिंट होता है अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कंट्रोल डब्ल्यू से डब्ल्यू से क्या होता है ये फाइल क्लोज होता है लेकिन सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता मुझे सॉफ्टवेयर क्लोज करना है बेसिकली तो मैं अल्ट एफ4 प्रेस करूंगा अल्ट एफ फोर देखिए सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया अल्ट एफ फोर ये शॉर्टकट की से आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसे पूरा क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल डब्ल्यू से उसके अंदर का डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर वर्कबुक है तो वर्कबुक के अंदर की एक पर्टिकुलर शीट क्लोज हो जाएगी मतलब फाइल क्लोज हो जाएगी वर्कशीट लेकिन पूरा वर्कबुक बंद करना है एग्जिट करना है एक्सेल से बाहर आना है तो अल्ट एफ फोर ये शॉर्टकट की याद रखना है राइट right? ओके okay. तो नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में आपको या बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जनरली आर्ड ऑफ वगैरह भी आपको क्या करना है कि शॉर्टकट कीज यूज़ करनी है ज्यादातर आपको बोला है कि कीबोर्ड पे काम करो तो आप बोलोगे यार मेनूज में इतने सारे ऑप्शन है मैं कीबोर्ड से कैसे काम करूँ उसे कैसे एक्सेस करूँ तो आप कर सकते हैं बेशक कर सकते हैं आपको करना क्या है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ आपको प्रेस करना है अल्ट बटन जैसे ही आप की बोर्ड पर अल्ट बटन प्रेस करते हो ध्यान से देखिए अल्ट बटन प्रेस करते हो तो अल्ट प्रेस करने के बाद देखिए होम के लिए क्या आ रहा है ट की दिखाई दे रही है आप चाहते है कि भाई मैं फॉन्ट कलर दू तो मैं प्रेस करूंगा और उसके अंदर मोर कलर में जाना है तो मैं एम बटन प्रेस करूंगा दिखाई दे रहा है तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शन एक्सेस करने मिल जाते हैं मेनू के अंदर के,

मैंने बताया अल्ट एच करो अल्ट एन करो अल्ट के साथ वो होता है उसके बाद अल्ट अल्टैब भी होता है अल्ट अल्टैब मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम अभी ओपन है ये और पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है तो अल्ट अल्ट अल्टैब या विंडोज टैब से भी होता है या अल्टैब से भी होता है ये भी शॉर्टकट की याद रखना है अल्ट अल्टैब स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स आपके जितने भी ओपन प्रोग्राम है यहाँ पे दिखाई देंगे आप स्विच हो सकते हैं अल्ट टैब याद रखिए अब नेक्स्ट है कि भाई मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज आप कैसे देख सकते हैं आपको क्या करना है विंडोज और पॉज बटन प्रेस करना है जिससे आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज देखने मिल जाती है लेकिन मुझे क्या करना है पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी ये वाली फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी ये कभी बनाई ये वाली फाइल की प्रॉपर्टीज देखनी है फोल्डर की या फाइल फाइल की देखनी बेसिकली तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और अल्ट एंटर बटन प्रेस करूंगा की बोर्ड देखिए तुरंत एक प्रॉपर्टीज डाला बस आ रहा है ये फाइल कब बनाई है इसकी साइज क्या है सब कुछ आ रहा है कैसे करना है याद रखिए फाइल को सिलेक्ट करना है अल्ट एंटर बटन प्रेस करना है ये फाइल मैंने कब बनाई 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 अगस्त 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 को को एकसे, एकसे को एक्सेस की क्लियर है तो आपको बेसिकली ये समझ में आगे कि भाई हम शॉर्टकट की की मदद से फाइल की प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं राइट अल्ट एंटर बटन कुछ शॉर्टकट कीज आपके लिए बेसिक रहेगी कुछ लेकिन आपको अपने पहली बार सुनी रहेगी उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए नोट डाउन कीजिए और इन सभी शॉर्टकट कीज़ का पीडीएफ फाइल मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी है उस ऐप के ऊपर आपको यह शॉर्टकट की का पीडीएफ फ्री में मिलेगा डाउनलोड के लिए उसके लिए आपको जाना है मेरे ऐप के ऊपर और ऐप में और बुक सेक्शन है बुक्स में बहुत सारे पी डी आपको मिलेंगे और ये वाले वीडियो से रिलेटेड एक पी आपको मिलेगा जिसमें मैंने मैंशन में किया है कि डेली यूज फिफ्टी शॉर्टकट कीज़ डेली यूज़ 50 शॉर्टकट कीज तो वो वाली पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आप अपने पास रखिए कई

पर्टिकुलर सपोज इस पैराग्राफ में कर्सर मैंने रखा है मैंने कर सर रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो राइट right? अब मैं एंड बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे तो जैसे आप एंड बटन प्रेस करते हो तो आपका कर सर उसी लाइन के एंडिंग में आ रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो देखिए तो एक पर्टिकुलर लाइन के एंडिंग में पर्टिकुलर लाइन के एंडिंग में आपको आना है तो आप एंड बटन प्रेस करोगे और लाइन के स्टार्टिंग में जाना है तो आप कीबोर्ड पे होम बटन प्रेस करोगे तो होम और एंड का आपको यूज डेफिनेटली यहाँ पे होगा होम से क्या होता है होम पे आ जाते हैं एंड बटन से डायरेक्टली एंड पे आ जाते हैं एंड ऑफ लाइन याद रखिए एंड बटन से हम एंड ऑफ लाइन आते हैं होम बटन से बिगिनिंग ऑफ लाइन आते हैं लाइन में फर्क याद रखिए लाइन बोल रहा हूं मैं पहले उसके बाद मैं कंट्रोल एंड बटन प्रेस करता हूं तो देखिए कंट्रोल एंड से क्या हो रहा है हम एंड ऑफ पैराग्राफ एंड ऑफ पेज पेज आ रहे, का आ भी हो रहा है का एंडिंग भी हो और कंट्रोल होम बटन प्रेस करते हैं बिगिनिंग ऑफ द पेज कंट्रोल एंड कंट्रोल होम कंट्रोल एंड कंट्रोल होम ये भी शॉर्टकट कीज याद रखिए कंट्रोल एंड से क्या होता है कंट्रोल होम से क्या होता है और नॉर्मल होम और नॉर्मल एंड बटन से क्या होता है अब दूसरा है कि पेज अप पेज डाउन अब मेरे पास सपोज मैंने ये कॉपी कर लिया और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस कर पेश करके बहुत सारे पेजेस लिए पेज अप पेज अप से क्या हो रहा है देखिए पेज अप एक एक पेज आप ऊपर आ रहे हैं एक एक पेज क्या हो रहा है ऊपर और पेज डाउन से एक एक पेज आप नीचे जाएंगे पेज अप पेज डाउन ये शॉर्टकट कीज किसके लिए यूज होती है आपको कीबोर्ड पे अभी समझा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दरअसल स्क्रोलिंग करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट और डिलीट ये शॉर्टकट कीज भी होती है तो इसका इस्तेमाल हम एक्सेल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो इंसर्ट और डिलीट के लिए मैंने एक्सेल ओपन किया इसलिए ले क्योंकि इंसर्ट शॉर्टकट की का यहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं अच्छे से डिलीट तो हम वर्ड में भी कर सकते हैं यहां पे देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करता हूं जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे लर्न मोर करके अब मैंने टाइप किया कंटेंट और कर्सर मैंने कहाँ पे रखा है स्टार्टिंग में रखा है कर्सर मैंने स्टार्टिंग में रखा है और कीबोर्ड में मैं इंसर्ट बटन प्रेस करता हूं देखिए इंसर्ट बटन से क्या हो रहा है आपको यहां पे तुरंत पता चलता है एक्सेल के अंदर इंसर्ट बटन मैंने हटा दिया वो देखिए सिलेक्शन हटा इंसर्ट 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 आप की बोर्ड पर इंसर्ट बटन खाली प्रेस कीजिए अब मैं अगर कुछ लिखता हूं जैसे मैंने लिखा हैलो तो लर्न मोर रहेगा और हेलो वर्ड भी आ रहा है लेकिन अगर मैं इंसर्ट बटन अभी प्रेस करता हूं तो ओवरलैपिंग होगा मतलब इंसर्ट बटन प्रेस करने से अभी एल हाईलाइटेड है ना अब देखिए मैं के टाइप करता हूं तो एल चला जा रहा है और उसका आगे ई हाईलाइट हो चुका है राइट तो अभी मैं कुछ भी टाइप करूंगा आगे के वर्ड इरेज होते जाएंगे इंसर्ट बटन प्रेस है इसीलिए याद रखिए इंसर्ट की से से क्या होगा देखिए मैंने कर्सर फिर पे स्टार्टिंग में रख दिया इसके कर्सर स्टार्टिंग में रख दिया तो देखिए इंसर्ट बटन मेरा ऑन है इसीलिए ये पहला अल्फाबेट हाईलाइट है मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये अल्फाबेट इरेज होगा और ओवरलैपिंग होगा नया अल्फाबेट अगर मैं इंसर्ट बटन दोबारा प्रेस करूं तो अब देखिए क्या हो रहा है इंसर्ट बटन दोबारा प्रेस करने से वो जो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो डिलीट नहीं हो रहे अभी राइट तो ये बात याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय इंसर्ट की ऑन है या नहीं है ऑन और ऑफ उसी से होती है इंसर्ट की ऑन रहेगी तो नेक्स्ट वर्ड को हाईलाइट कर लेगी और आप जब टाइप करने जाओगे तो ये नेक्स्ट वर्ड ओवरलैप होते जाएगा दिखाई दे रहा है और अगर आपको ओवरलैप नहीं करना है आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है अभी ओवरलैप नहीं होना चाहिए तो इंसर्ट की प्रेस कीजिए आप देखिए वो वैसे ही रहेगा तो इंसर्ट की से ये हो जाता है अब डिलीट की से क्या होता है कि अगर आप कर्सर यहाँ पर रखते हो और आप डिलीट बटन प्रेस करते हो कर्सर डिलीट तो आपको पता है बेसिकली आप फोल्डर फाइल डिलीट कर सकते हैं इससे लेकिन कर्सर आपने रखा है तो राइट right साइड के वर्ड डिलीट होते हैं डिलीट की से देखिए राइट साइड के वर्ड डिलीट हो रहे हैं और मुझे लेफ्ट के डिलीट करने हैं तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा याद रखिए कीबोर्ड से बैक स्पेस से लेफ्ट साइड के वर्ड डिलीट होंगे और डिलीट से राइट right साइड के वर्ड डिलीट होंगे हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं राइट साइड का पूरा वर्ड ही डिलीट करो एक पूरा का पूरा कैरेक्टर नहीं डिलीट करो एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है ना वहाँ पे मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है तो राइट साइड का पूरा वर्ड ही डिलीट कर रहा है तो एक नेक्स्ट शॉर्टकट की याद रखिए कंट्रोल डिलीट कंट्रोल डिलीट कंट्रोल डिलीट एक एक पूरा वर्ड ही डिलीट हो रहा है कैरेक्टर डिलीट नहीं हो रहा है देखिए राइट एक एक कैरेक्टर डिलीट कर रहा है तो डिलीट बटन ऐसे एक 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 लेकिन कंट्रोल डिलीट अगर आप प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा यू कैन कोलैप्स पार्ट्स दिखाई दे रहा है आप कंट्रोल और डिलीट और कंट्रोल और बैक स्पेस आप कर्सर इस साइड रखो और कंट्रोल और बैक स्पेस करो कंट्रोल बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस पूरा क्या हो रहा है एक एक वर्ड लेफ्ट साइड का डिलीट होता है कंट्रोल बैक स्पेस और कंट्रोल डिलीट ये दोनों भी प्रैक्टिकली अपने इस्तेमाल करना है प्रैक्टिस करके देखना है अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये पूरा, पूरा right का पूरा राइट साइड का लाइन सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट एरो राइट साइड का वर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ एक एक करके सॉरी सो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो राइट एरो देखिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कहाँ तक मुझे सिलेक्शन जाना है या फिर मैं लेफ्ट साइड का करना चाहता हूँ तो कर्सर यहाँ पे रखूंगा कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो राइट कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो इस तरह से मैं ऊपर का पूरा का पूरा पैराग्राफ सेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कर्सर मैंने नीचे रखा भी कंट्रोल शिफ्ट होम बटन प्रेस करूंगा पूरा सिलेक्ट हो गया या कर्सर ऊपर रखूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन प्रेस करूंगा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा सो कंट्रोल शिफ्ट के साथ वो सिलेक्ट होता है राइट एरो लेफ्ट एरो करो या कंट्रोल अप डाउन एरो प्रेस करोगे तो भी वैसे होगा कंट्रोल डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो कंट्रोल अप एरो अप एरो एक एक पैराग्राफ वाइज वो सिलेक्ट होते जाएगा कंट्रोल शिफ्ट होम एंड या फिर अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे शॉर्टकट कीज यूज़ करोगे तो सिलेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल में हेल्प होता है एक्सेल में भी यही पावर पॉइंट में भी यही शॉर्टकट की सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है अब कुछ फंक्शन कीज़ की तरफ बढ़ते हैं जैसे एफ वन टू एफ टूवेल हमारे की बोर्ड पर फंक्शन कीज़ रहती है लेकिन बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारे शॉर्टकट कीज़ यूज़ नहीं होते हैं एफ वन टू एफ ट्वेल याद रखिए तो होते कौन कौन से जैसे एफ वन होता है हेल्प के लिए एफ ओन प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प आता है यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हैं विंडोज टेन के अंदर कुछ हेल्प करना चाहते हैं आप तो राइट डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होकर आपको हेल्प में इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टेन में आप क्या सर्च चाहते हैं राइट एफ वन उसके बाद F5 फाई यूज़ करते हैं हम रिफ्रेश के लिए स्क्रीन को रिफ्रेश करना है ये देखिए F5 फाइव ब्लिंक होते रहेगा रिफ्रेश करने के लिए राइट रिफ्रेश तो विंडोज 11 में तो उन्होंने हटाई दिया रिफ्रेश करना बंद ही कर दिया है तो आपको अगर आदत पड़ गई है राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की तो भाई अब वो विंडोज इलेवन में नहीं है उसके बाद एफ uh, फाई में uh, और एक शॉर्टकट की छुपी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और आप एफ प्रेस करते हो तो गो टू ओपन होता है गो टू कंट्रोल जी से भी ये गो टू होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एफ से भी ये गोटू ओपन होता है राइट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एफ सेवन से स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है लेकिन एफ सेवन तभी प्रेस कीजिए जब आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है जैसे यहां पे मैंने क्या कर दिया है ये स्पेलिंग गलत कर दिया है देखिए प्रोवाइड का स्पेलिंग गलत है तो यहां पे क्या आ रहा है गलत स्पेलिंग को अंडरलाइन आ रहा है आप चेक कर सकते हैं प्रोवाइड स्पेलिंग को अंडरलाइन कैसे आ रहा है रेडवी वी अंडरलाइन तो अभी मैं अगर एफ सेवन प्रेस करूंगा तो ये देखिए स्पेलिंग ग्रामर आ रहा है और बोल रहा है कि प्रोवाइड में आपको क्या लिखना है इसमें प्रोवाइड लिखना है तो आप इस वाले वर्ड को सिलेक्ट करोगे चेंज करोगे चेंज हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एप सेवन ये शॉर्टकट की यूज़ होती है उसके अलावा आगे शॉर्टकट की एक है जो हमेशा यूज़ होती है ऑफिसिस में एप टू अगर मैं इस फाइल का नाम बदलना चाहता हूँ या इस फाइल का नाम बदलना चाहता हूँ जो भी फाइल का नाम मुझे बदलना है बस फोल्डर या फाइल का उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और कीबोर्ड के की ऊपर मैं एफ टू बटन प्रेस करूंगा देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया सेलेक्ट किया फाइल को एफ टू बटन प्रेस करूँगा और मैं एफ टू बटन से यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा कुछ भी नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए नाम आ गया तो एफ टू बटन से रीनेम होता है और ये बहुत शॉर्टकट की यूजफुल है याद रखिए एक्सेल के अंदर एफ़ टू बटन अगर आप यूज़ करते हैं अगर आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया एक्सेल में और कर्सर आपका नीचे के सेल में अगर आपको इसमें दोबारा एडिट करना है तो एफ टू बटन पहले प्रेस करो उसमें कर्सर आ जाता है नहीं तो क्या होता है आप डायरेक्टली टाइप करने जाओगे तो पुराना टैक्स निकल जाता है तो एक्सेल में F2 होता है एडिट एक्टिव सेल के लिए एक्टिव सेल में एडिट कंटेंट और ऐड करने तो F2 बटन प्रेस कीजिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है इसलिए मैंने बता दिया और सेव सेवैस का तो मैंने बताया F12 तो बाकी एफ़ वन टू एफ के के अंदर के जो फ है वो ज्यादातर टैली वगैरह सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ज्यादा यूज होते हैं बेसिक एप्लीकेशन में कम यूज होते हैं अब ये एक्सेल की फाइल मेरी ओपन है और मैं चाहता हूँ कि इसकी स्क्रीन मैं छोटी सी करूँ रिस्टोर करू तो मैं कंट्रोल एप टेन परस करूंगा विंडोज छोटी होगी कंट्रोल एफ्टन कंट्रोल एपटेन कंट्रोल एफटेन कंट्रोल छोटी बड़ी छोटी बड़ी राइट रिस्टोर मैक्सिमाइज रिस्टोर मैक्सिमाइज आप ऐसे कर सकते हैं एक्टिव विंडो को रिस्टोर और मैक्सिमाइज आप इजीली कर सकते हैं उसके लिए बस आपको कंट्रोल बटन और एपटेन प्रेस करना है अब हमारी कुछ ही शॉर्टकट की बाकी है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है दो तीन और शॉर्टकट की लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ की हमारे जितने भी चैनल हैं उन सभी की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है इसके अलावा लर्न मोर चैनल है और रियल ट्यूटोरियल है टैली ट्यूटोरियल है सतीश ट्रेक है क्यूरियासिटी है और एक्सेल ट्यूटोरियल है ऐसे ढेर सारे चैनल है जो कि आपको एक कंप्यूटर में स्मार्ट बना सकते हैं तो इन चैनल्स को जरूर विजिट कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए ढेर सारी फिलहाल हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की ये है कि अगर डेस्कटॉप की कोई फाइल मुझे डिलीट करनी है तो मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करूंगा जैसे ये फाइल मुझे जरूरी नहीं है मेरे पास इसकी डुप्लीकेट है तो मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करूंगा लेकिन ये डिलीट प्रेस करने से रिसाइकल बिन में जाती है यहाँ पे पता है ना आपको ये रिसाइकल बिन फोल्डर है इससे आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा लेकिन मैं इस फाइल को परमानंट डिलीट करना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ परमानंट हमेशा के लिए डिलीट राइट हमेशा के लिए मतलब नहीं चाहता हूं तो मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करूंगा आर यू यू टू डिलीट डिलीट दिस फाइल फाइल परमानेंटली ये हो ये होगी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी परमानेंट डिलीट करना है तो आप यस कीजिए फाइल यहां से परमानेंटली डिलीट हो गई आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट शॉर्टकट की में ये है दोस्तों कि मुझे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट करना है तो मैं करूंगा विंडोज और प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस विंडोज और प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करते ब्लिंक होगी स्क्रीन और स्क्रीन का स्क्रीन हो जाएगा या फिर मैं डायरेक्टली की पे खाली प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दूंगा और वर्ड में जाकर मैं पेस्ट करूंगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कौन से भी सॉफ्टवेयर में जाकर आप अगर यहाँ पे कंट्रोल वी बटन दबा देते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे वही स्क्रीन पेस्ट हो गई है दिखाई दे रहा है प्रिंट स्क्रीन बटन खाली प्रेस किया उसके बाद मैंने वर्ड स्टार्ट किया और कंट्रोल वी बटन पेस्ट किया यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन मैंने बटन प्रेस किया था उसके लिए आपको जाना होगा आपके पिक्चर्स फोल्डर के अंदर यानी कि फाइल एक्सप्लोरर में जाओ ये फाइल एक्सप्लोर विंडोज इसे मैंने ओपन किया है मैं पिक्चर्स फोल्डर में जा रहा हूँ और पिक्चर्स फोल्डर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट में ढेर सारे स्क्रीन मैंने पहले भी निकाले लेकिन अभी अभी जो मैंने निकाला था ये दिखाई दे रहा है मेरे लर्न मोड चैनल का स्क्रीन लिंक डिस्क्रिप्शन में है फिलहाल तो आपको प्रिंट स्क्रीन के बारे में डेफिनेटली पता चला होगा कि प्रिंट स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं और आखिरी शॉर्टकट की है स्क्रोल लॉक के बारे में जो प्रिंट स्क्रीन के बाजू में रहता है मैं अगर यहां पे स्क्रोल कर रहा हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं मैं कीबोर्ड से स्क्रोल करता हूं तो कर्सर नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है कीबोर्ड से लेकिन अगर मैं स्क्रोल लॉक यहां पे ऑन कर दू कीबोर्ड के ऊपर स्क्रोल लॉक बटन दबा दिया मैंने और मैं अभी स्क्रोल लॉक बटन दबाने के बाद मैं ऊपर और नीचे करने जा रहा हूँ तो एक्सेल में आप देख पाएंगे कि भाई वो जो कर्सर है एक जगह पे लॉक हो चुका है डाउन एरो और अप एरो में प्रेस कर रहा हूँ कर्सर अपनी जगह पे कर्सर हिल नहीं रहा है लेकिन पेज अप एंड डाउन स्क्रोल हो रहा है क्योंकि स्क्रॉल लॉक है अगर मैं स्क्रॉल लॉक दोबारा प्रेस करता हूँ मतलब ऑफ कर देता तो हूँ अभी यहाँ पे स्क्रोल आप स्क्रोल लॉक ऑन और ऑफ करते हैं तो आपको नीचे बॉटम में दिखाई देता है जो भी एप्लीकेशन आपका चालू है उसके बॉटम में आप देख पाएंगे स्क्रोल लॉक यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ अभी मेरा स्क्रोल लॉक ऑन है तो यहाँ पे स्क्रोल लॉक ऑन दिखाई दे रहा है आपको अगर मैं स्क्रोल लॉक ऑफ कर देता हूँ तो वहां से वो गायब हो चुका है दिखाई दे रहा है और अभी मैं की पे अप एंड डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये हो रहा है राइट सो दैट्स इट सो कैसे लगी ये डेली यूज शॉर्टकट कीज डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी और ऑलरेडी आपने लाइक like, शेयर और कमेंट किया होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं नहीं किया तो आप कीजिए ना यार फ्री में होता ही है सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट सब कुछ फ्री में होता है तो कर लीजिए अभी के अभी और साथ ही में, में मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आप जरूर चेक कर लेना और कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा जो कि आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर रिपेयरिंग करना सिखाएगा तो जरूर चेक कीजिएगा फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए सीखते रहे सिखाते रहे और खुश रहे बाय बाय